दोस्तों अगर आपके पंचायत में सचिव या फिर सरपंच बदलता है तो उनका डिटेल्स ई-ग्राम स्वराज पोर्टल में आपको चेंज करना ही होगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप ई-ग्राम स्वराज पोर्टल में ग्राम पंचायत जनरल प्रोफाइल को आप चेंज यानी कि मॉडिफाई कर सकते हैं, अनफ्रीज कर सकते हैं। और यह काम आपको करना ही होगा, नहीं तो आपके पंचायत में 15th FC का फंड नहीं भी मिल सकता है। अगर आपके पंचायत में ऐसा कोई चेंजेस आता है तो आपको ई-ग्राम स्वराज पोर्टल में उस चेंज को ज़रूर करना ही होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर पहली बार तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का ज़रूर दबाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके लिए सबसे पहले आपको हमें यहाँ पे गूगल ब्राउज़र पे जाना है, यहाँ पे अभी ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पे जाना है। यहाँ पे आपको अभी अपना एडमिन लॉगिन से लॉगिन करना है। एडमिन लॉगिन पे लॉगिन करने के बाद आपको लेफ्ट साइड पे जो मेनू दिखेगा यहाँ पे देखिए पंचायत प्रोफाइल ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए जनरल प्रोफाइल, उसके बाद ऐड ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अभी देखिए यहाँ पर फ्रीज स्टेटस, यहाँ पर फ्रीज़ हुआ है तो अभी आपको मॉडिफाई ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है अनफ्रीज ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर पे नीचे देखिए अनफ्रीज बटन है, यहाँ पे अनफ्रीज कर दीजिए। अभी आप देखिए पंचायत प्रोफाइल, फिर जनरल प्रोफाइल, फिर ऐड पे क्लिक कीजिए। अभी देखिए यहाँ पे मॉडिफाई ऑप्शन एनेबल हो चुका है, तो अभी आप मॉडिफाई ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने पूरा पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो जो इन्फॉर्मेशन चेंज करना है उसको चेंज कीजिए। यहाँ पे सपोज़ मुझे ऑफिसर यानी कि सेक्रेटरी यानी सचिव जी का यहाँ पे डिटेल्स हमें चेंज करना है, तो यहाँ पे आपको नाम या फिर जेंडर, कैटेगरी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब डिटेल्स आप चेंज कर सकते हैं। फ़ोटो भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से आप। तो जो जो इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट करना है या फिर आपको मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, यहाँ से आप बखूबी कर सकते हैं। ऑफिसर डिटेल्स, सरपंच के डिटेल्स, ये सब डिटेल्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ़ोटो भी चेंज कर सकते हैं, अपडेटेड फ़ोटो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पे ऑफिस डिटेल्स यानी कि ऑफिस एड्रेस, ये सब भी आप चेंज कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर आप मॉडिफाई ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले से सब कुछ फिलअप किया हुआ है। अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और अगर नहीं करना चाहते हैं तो सेम रहने दे सकते हैं, कोई चेंज नहीं करना होगा आपको। इसके बाद देखिए कनेक्टिविटी डिटेल्स, यहाँ पे नियरेस्ट बस स्टॉप दिखेगा और बस स्टॉप से पंचायत का दूरी कितना है ये भी आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो ये आपको किलोमीटर यूनिट में देना होगा, यहाँ पर देखिए 2 डिजिट से ज़्यादा यहाँ पर नहीं होगा, तो आप किलोमीटर में नियरेस्ट बस स्टॉप का डिस्टेंस दीजिए। उसके बाद जीपी अट्रैक्शन, आपके पंचायत में अगर कोई टूरिस्ट स्पॉट है या फिर कोई आकर्षणीय कुछ है तो वो आप यहाँ पे डिटेल में लिख सकते हैं। उसके बाद अदर डिटेल्स, ग्राम पंचायत का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितना है, कितने सांसद है, कौन से ब्लॉक के अंदर आता है, ये सब डिटेल्स आप यहाँ पर अदर डिटेल्स सेक्शन में आप लिख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर पॉपुलेशन इन मैप्ड विलेजेस, गांव में कितना पॉपुलेशन है, ये डिटेल्स ऑलरेडी है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ऊपर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स में जाना है, पंचायत लाइब्रेरी अवेलेबल है या नहीं, पंचायत भवन अवेलेबल है या नहीं, पंचायत भवन में कितने लैपटॉप्स हैं, कितने कंप्यूटर्स हैं, कितने प्रिंटर है, स्कैनर, ये डिटेल्स आपको यहाँ पर लिखना होगा। पंचायत भवन में इंटरनेट कनेक्टिविटी है या नहीं, यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा। अगर है तो वाईफाई है या फिर फाइबर है, ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद कॉमन सर्विस सेंटर अवेलेबल है या नहीं पंचायत भवन में, ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ये सब सिलेक्ट करने के बाद PESA डिटेल्स में जाइए, यहाँ पे आपको कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं होगा, आपको सिंपली यहाँ पे मॉडिफाई ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तभी आपका सारा डिटेल्स सेव हो जाएगा। लेकिन अभी आपको फ्रीज नहीं हुआ है डेटा, तो इसके लिए ये फ्रीज बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एकदम आखिर का जो डिटेल्स आपने भरा है वो सक्सेसफुली सेव हुआ है नहीं एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद एकदम आखिरी टैब जो है PESA डिटेल्स, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे देखिए अभी फ्रीज बटन अवेलेबल है
तो यहाँ पे फ्रीज बटन पे क्लिक करते ही आपका सारा डेटा फ्रीज हो जाएगा। अभी आप कोई भी इसको एडिट नहीं कर पाएगा जब तक कि ना ये अनफ्रीज किया जाता है। तो ऐसे आप अपना ग्राम पंचायत जीपी प्रोफाइल यानी कि जनरल प्रोफाइल को मॉडिफाई या फिर चेंज कर सकते हैं बखूबी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।